हाँ जी, तो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नईम उपल आपके साथ, और आपको आज हम लेके आए हैं एक लोडिंग फाइल के लिए। आपको एक लोडिंग साइन चलता हुआ नज़र आ रहा है, हमको अक्सर वेबसाइट में नज़र आता है, बहुत आसान है बनाना। हम आज आपको ये बनाना सिखाते हैं, छोटी सी असाइनमेंट है। मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से प्रिंट करते हैं और अपनी वीडियोज़ की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आ गए हम अपनी बॉयलर प्लेट के लिए, और यहाँ पे हम लेते हैं अपना एक बॉयलर प्लेट और टाइटल देते हैं लोडिंग। लोडिंग में हम इसे यहीं पे स्टाइल करेंगे, स्टाइल का टाइटल भी दे देते हैं, और बॉडी में आते हैं, यहाँ पे आके एक कंटेनर लेते हैं। कंटेनर ले लिया, कंटेनर के बाद हम इसी के अंदर एक और डिव लेंगे जिसकी क्लास हम रखेंगे लोडिंग। ऊपर चलते हैं, कंटेनर को हम कहते हैं कि आप भाई बड़े हो जाओ, बहुत छोटे हो आप, बड़े हो जाओ। 100 dvh, vh mean से ये सिस्टम की होता है, और dv से जो हमारे मोबाइल रिस्पॉन्सिव होती हैं वो हो जाती हैं, अगर d से देते हैं। और बैकग्राउंड कलर हम इसको कर देते हैं ब्लैक। इसके बाद हम बुलाते हैं अपने लोडिंग को, आ जाए जी। आपकी विड्थ रख देते हैं हम 5 फ्रेम, हाइट और विड्थ इसे सेम देनी होगी, उसके बाद ही ये एक तरह का गोल शेप अब देनी होगी, एक नज़र आएगा। अब इसे हम बॉर्डर देते हैं, पहले बॉर्डर देते हैं इसे 6 पिक्सल का सॉलिड कलर, कोई भी कर दें, वाइट कर दें, चाहे आप जो भी। अच्छा, पीछे देखते हैं हो क्या रहा है। यहाँ पे आपने रिफ्रेश किया, ये आ गया हमारा, ये बन के आ गया। इसको हमने अब करते हैं, आप क्या करना है इसको, इसको अब हम पहले सेंटर में ना ले आए। तो सेंटर में लाने के लिए इसका जो पेरेंट है उसका डिस्प्ले फ्लैक्स किया, फ्लैक्स के बाद हमने इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, उसके बाद अलाइन आइकन सेंटर किया जी। अब भी हम इसको बॉर्डर रेडियस लगाएंगे, गोल शेप करने के लिए 50% काफ़ी है। इसके बाद हम इसको करेंगे जो बॉर्डर इसका टॉप है उसे हम 6 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट करेंगे। ये जी हट गया। इसके बाद हम एनिमेशन लगा देंगे, एनिमेशन नेम रखेंगे इसका, क्या करना है नेम में, नेम में रोटेट करना है। उसके बाद क्या हो गया, ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, 1.5 सेकेंड हो। इसके बाद फंक्शन टाइमिंग क्या होनी चाहिए, टाइमिंग होनी चाहिए इसकी इन्फिनिटी, घूमता ही रहे। बाकी फिलहाल कट कर देंगे, अगर देखेंगे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वो बाद में लगा लेंगे। नीचे आते हैं, जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया है, अब फंक्शन हमने उसका नाम ये रखा है, ये रोटेट। इसी रोटेट फंक्शन को अब हम नीचे एक फंक्शन बनाएंगे इसी नेम से। तो आ जाएं नीचे चलते हैं, फंक्शन बनाना तो आता होगा, उम्मीद है नहीं आता तो चेक करते रहें। हमने नाम रखा था रोटेट, वही नाम हम अपने फंक्शन को देंगे। फंक्शन को कहेंगे कि आपने फ्रॉम से चलना है, यहाँ से चलना है और टू तक जाना है। फ्रॉम से किधर से चलना है और क्या करना है, चलते चलते आपने ट्रांसफॉर्म होते रहना है, ट्रांसफॉर्म में आपने रोटेट होते रहना है। अब रोटेट होना है, आपने स्टार्ट करना है 0 डिग्री से, और जाना कहाँ तक है, ट्रांसफॉर्म होना है और आपने रोटेट होना है, जाना है आपने 360 डिग्री पे। तो ये अपना चलना स्टार्ट हो गया है, ये हमारा बन गया है। एक
चीज़ की कमी है अगर आप लोगों को समझ लग रही हो, ये जो है यहाँ पे आके स्लो होता है फिर आगे चलता है यहाँ पे, तो जो इसकी ब्रेक है उसको ख़त्म करने के लिए इन्फिनिटी के आगे हम लगाएंगे लीनियर। लीनियर प्रॉपर्टीज इसको एक ले में चलाती रहेगी। तो कैसा लगा आज की हमारा ये टॉपिक और आज की हमारी असाइनमेंट? उम्मीद है आप लोग हमें सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और मज़ीद आने वाली वीडियोज़ को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।